क्या आप भी बिबू 96 और फैक्टो श्रेयांश के जैसा फैक्ट वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं? और आपने पहले बहुत सारे वीडियोस को देख लिया है और फाइनली हमारे इस वीडियो के थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर क्लिक कर देते हो, तो भाई साहब आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्रूफ दिखा देता हूं, जिसका की ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप देख सकते हो यहां पर एक 15 सेकंड की नॉर्मल से दिखने वाली वीडियो है और मैंने इसे स्क्रिप्ट लिखकर सस्पेंस क्रिएट करके इसे कुछ इस प्रकार से एडिटिंग किया हूं ताकि ये 1 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका है। बात ये नहीं है कि मैंने इसे 15 सेकंड से 1 मिनट का बना दिया, बात ये है कि सही तरीके से स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है और उसे सस्पेंस क्रिएट करके कैसे वीडियो को एडिट किया जाता है ताकि आपके द्वारा बनाया गया वीडियो कितना ही बड़ा ही क्यों ना हो, अगर आप उसमें सही तरीके से सस्पेंस क्रिएट करके उसे एडिटिंग करते हो तो ऑडियंस बोर नहीं होती है और वीडियो को लास्ट तक देखती है, जिससे कि आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है और आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आप लोगों को इस तरह का फैक्ट वीडियो आखिर मिलेगा कहां और साथ ही इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है वो आपको कहां पर मिलेगा, जिससे कि आपकी वीडियो को वायरल होने में काफी ज्यादा चांस रहेगा, और साथ ही इसका स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे जिससे कि आपकी वीडियो में सस्पेंस क्रिएट हो, और फिर उस पर वॉइस ओवर कैसे करेंगे ये भी मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं, और फिर फाइनली काइनमास्टर एप्लीकेशन में फैक्ट वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है वो भी आपको मैं करके दिखाने वाला हूं। एक बार फिर से मैं आपको कह देता हूं, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है और अगर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो बिना स्किप किए, तो मैं 99% गारंटी लेता हूं कि आप आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको फैक्ट वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, यानी कि आप जीरो से हीरो बन जाओगे। और मैं आपको बता दूं, इतना डिटेल्स में अभी तक यूट्यूब पर शायद ही कोई दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन खोल लेना है। दोस्तों यहाँ टेबल पर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, जो इस बड़ी सी गेम से सबसे ज्यादा पैसे गिराएगा ये सारे पैसे उसके हो जाएंगे, और लास्ट वाले बंदे ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिससे ये सारे पैसे उसके हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उस बंदे ने ऐसा क्या दिमाग लाया कि एक सेकंड में करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। दोस्तों सबसे पहले ये लड़का आता है जो कि बॉल तो फेंकता है लेकिन कुछ ही पैसे नीचे गिर पाते हैं, और फिर दूसरा बंदा जैसे बॉल फेंकता है भाई साहब बॉल तो बीच में ही रुक जाती है, और फिर आती है इस बंदे की बारी। इन भाई साहब के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मानो ये सारे पैसे आज घर लेकर जाएंगे, और फिर ये स्टाइल दिखाने में इतना ज्यादा मगन हो जाता है कि सबसे कम पैसे इनके ही नीचे गिरते हैं। और फिर भाई साहब अब आती है इस बंदे की बारी, जिसने लगाई एक तूफानी दिमाग। आखिर ऐसा क्या दिमाग लगाया इस बंदे ने जो एक सेकंड में करोड़ों का मालिक हो गया। उसे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए अगर आपको ऐसा मौका मिलता तो आप कितने पैसे नीचे गिरा पाते। भाई साहब जैसे ये चौथा बंदा आता है इतनी तेजी से बॉल फेंकता है कि सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं के गिरते हैं, और एक सेकंड में करोड़ों रुपये कमा लेते हैं। तो इस तरह की फेक वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन में आ जाना है। उसके बाद आपको ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें फेक्ट वीडियो एडिटिंग करना है, तो उसके लिए हम 9x16 रेशियो पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर फ्रेम आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जिस भी वीडियो को आपको फैक्ट में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मैं एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप वो वीडियो को ले लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाली वीडियो है, तो मैं इसी को आज आपको फैक्ट में एडिट करके दिखाऊंगा कैसे इसे फैक्ट वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वीडियो हमारा मात्र 15 सेकंड का है। ठीक है, अगर मैं 15 सेकंड का बनाऊंगा तो उस पर ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा कम आएंगे, इसलिए मैं इसे क्या करूँगा कम से कम 40 सेकंड से ज़्यादा का बनाऊंगा, जिससे कि हमारे वीडियो वायरल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें सस्पेंस क्रिएट करके बनाना है, तभी हमारा वीडियो जो है वो 40 सेकंड से ऊपर होगा। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैसे ये वीडियो है, ठीक है, तो ये 15 सेकंड का वीडियो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 सेकंड का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वीडियो पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको इसका मिक्सर वाले ऑप्शन पर जाना है और इसके आवाज़ को सबसे कम कर देना है, यानी कि म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद दोस्तों इस पर फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा 2-2 फ्रेम आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 15-2 नहीं 30 सेकंड का हो गया है, हमें 40 सेकंड से ऊपर का बनाना है। तो क्या करेंगे, एक बार और ले लेंगे, 3 डॉट पर जाएंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक और फ्रेम आ चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आपको अपने मतलब हम जो वॉइस ओवर करेंगे उस पर सबसे पहले ध्यान देना। ठीक, वॉइस ओवर करने के बाद उसके बाद हम वीडियो को अपने वॉइस ओवर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तभी हमारा फैक्ट वीडियो एडिट हो पाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं मैंने इसे 3 फ्रेम में ले लिया, 15-15 यानी 45 सेकंड हो गया, तो हम कम से कम 40 सेकंड से ऊपर का बनाएंगे। तो आपको उसी तरह से वॉइस ओवर करना, जिससे कि आप सस्पेंस क्रिएट करके आपको कम से कम 40 सेकंड के ऊपर को आपको वीडियो को बना लेना, तभी आपका वीडियो जल्दी से वायरल होने के चांस रहेंगे। दोस्तों वॉइस ओवर करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 15 सेकंड का वीडियो है तो आपको यहाँ पर देखना है कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। और सो जैसे कि ये हमारा 15 सेकंड का वीडियो था, ठीक है, तो हमें इस पर
सबसे पहले क्या करना है, हमें इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना है, क्या कि इस वीडियो में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है जिसे हम उसको सस्पेंस के रूप में क्रिएट करके 15 सेकंड से हम 40-45 सेकंड तक उसे लेकर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम इस वीडियो को देख रहे हैं, देख सकते हैं एक बंदा यहाँ पर फेंका तो कुछ पैसा नीचे गिरा, दूसरा बंदा फेंका तो बीच में फुटबॉल रुक गया, फिर तीसरा बंदा आता है तो थोड़ा यहाँ पर स्टाइल दिखा करके फेंकता है तो कुछ ही पैसा गिरता है, ठीक है। और फिर चौथा आता है जैसे फेंकता है बहुत सारे पैसे गिरते हैं, तो ये सारे पैसे उसके हो जाते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हम कुछ इस तरह से इसमें वॉइस ओवर करेंगे कि दोस्तों यहाँ पर टेबल पर बहुत सारे पैसे होते हैं और जो जितने और जो सबसे ज़्यादा पैसे गिराएगा ये करोड़ रुपये उसके हो जाएंगे। तो हम कुछ इस तरह से सस्पेंस क्रिएट करेंगे, करोड़ रुपये उसके हो जाएंगे, और फिर बोलेंगे सबसे पहला बंदा आता है जो कि कुछ ही पैसा नीचे गिरा पाता है, और दूसरा बंदा आता है तो फुटबॉल तो बॉल बीच में ही रुक जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तीसरा बंदा जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है और वो स्टाइल मारने के चक्कर में थोड़े पैसे नीचे गिरा पाता है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, तो हमें कुछ इस तरह से वॉइस ओवर करना है। उसके बाद दोस्तों हम बोलेंगे जैसे, फिर दोस्तों चौथा बंदा ऐसा दिमाग लगाता है कि ये सारे पैसे उसके हो जाते हैं, आखिर वो ऐसा क्या दिमाग लगाता है, उसे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको कुछ इस तरह से वॉइस ओवर करना है, ठीक है। तो मैं चलिए जल्दी से वॉइस ओवर कर देता हूँ तो वीडियो को, और फिर आप ये भी बोल देना कि कॉमेंट, अगर आपको ऐसा मौका मिलता तो आप कितने पैसे गिरा पाते कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो कुछ इस तरह से हम इस पर वॉइस ओवर कर देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया, काफ़ी छोटे छोटे क्लिप्स में किया। हाँ दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान और रखना है, अगर आप फैक्ट वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे क्लिप्स में ही वॉइस ओवर कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 1 मिनट 8 सेकंड तक यहाँ पर वॉइस ओवर जो आ चुका है, मैं इसे एडजस्ट किस तरह से करूँगा। आप देख सकते हैं वॉइस के बीच में 1-2 सेकंड का गैप भी है, तो उसे हम एडजस्ट करेंगे ताकि ये कम से कम 1 मिनट के अंदर में आ जाए। 15 सेकंड का वीडियो था, मैंने उसमें सस्पेंस क्रिएट करके 1 मिनट से ऊपर का वॉइस ओवर कर लिया। अब दोस्तों आपको अपनी वॉइस को कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे शुरू में आ जाना है, शुरू में आने के बाद आपको जो पहला लेयर है आपका वॉइस का, ठीक है, आपको पहले लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा वाइब्रेशन यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आपको वाइब्रेशन नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जूम आउट करके देख सकते हैं या जूम इन करके देख सकते हैं। देख सकते हैं हमारा वाइब्रेशन जो यहाँ से परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम साउंड वाले यानी कि अपने वॉइस वाले लेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक कैची का ऑप्शन दिखेगा, कैची वाले ऑप्शन पर जाएंगे हम ट्रिम लेफ्ट करेंगे, चूँकि हमें इधर का पार्ट को हमें हटा देना है, तो इधर के पार्ट को बोलते हैं ट्रिम, इधर के पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो हम ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, जाते हैं यहाँ पर अच्छे से लगा करके ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक किया तो इधर वाला पार्ट हट गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, 1 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे और इसे घींच करके शुरू में लेकर आ जाएंगे। ये आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना, देखिए इसका पहले लेयर का लास्ट में हमारा वाइब्रेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा वॉइस ओवर है इसका वाइब्रेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है वाइब्रेशन यानी कि हमारा आवाज़ यहाँ से शुरू हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके शुरू और दूसरे के लास्ट को मिला देंगे। देखिए जैसे इसको घींच करके लाए, घींच करके लाने के बाद इस धोने के वाइब्रेशन को एक साथ ऐसे करके मिला देंगे और हल्का सा चढ़ाएंगे, ठीक है, हल्का सा चढ़ाएंगे तभी हमारा वॉइस ओवर थोड़ा अट्रैक्टिव देखने में लगेगा, हल्का सा ही चढ़ाना, देख सकते हैं ये हो गया। अब दोस्तों इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे वॉइस को, सारे अपने जो वॉइस को यानी कि वॉइस ओवर जो किया है सारे को इसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया, तो चलिए जल्दी से सारे वॉइस को एडजस्ट करके उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जितने वॉइस ओवर किए थे उन सभी को मैंने एक एक करके एडजस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसे इस तरह से एडजस्ट कर दिया। दोस्तों हम जब लास्ट में आते हैं तो हमारा वॉइस ओवर जो यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट 4 सेकंड का हो जाता है, और आपको पता होगा कि शॉर्ट वीडियो मात्र 1 मिनट से अंदर का ही होता है, यानी कि लगभग 59 सेकंड का या मान लो 60 सेकंड का, लेकिन यहाँ पर हमारा 4 सेकंड एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑडियो के सबसे लास्ट में आ जाते हैं। देखिए ऑडियो का सबसे लास्ट लेयर यही है, यहाँ पर आ जाते हैं। लास्ट में आने के बाद दोस्तों उसके बाद आपका जितना भी फालतू पार्ट जैसे यहाँ पर देखिए वाइब्रेशन खत्म हुआ, यहाँ से हम क्या करते हैं वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करके कैची वाले ऑप्शन पर जाते हैं और ट्रिम राइट कर देते हैं, इधर वाला पार्ट डिलीट हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देख सकते हैं 1 मिनट 4 सेकंड का हमारा यहाँ पर वॉइस ओवर रेडी हुआ है, तो हमें इसे 1 मिनट के अंदर का करना है तभी हमारा फैक्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट फीड में जाएगा वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, क्योंकि अभी सबसे पहले हमारा स्टेप है कि आपको वॉइस को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को छोड़ दो कि वीडियो को आपने डुप्लीकेट किया था या कुछ किया था, आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपके वॉइस को कि वॉइस को कैसे क्लियरिफाई करेंगे यानी कि एडजस्ट करके उसमें थोड़ा सा इफेक्ट डाल के वॉइस को अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते 1 मिनट 4 सेकंड का 4 सेकंड एक्स्ट्रा आ गया, तो उसे हमें कैसे हटाना, अगर दोस्तों हम ऐसे करके हटाएंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 मिनट पहुँच गया और मान लीजिए मैंने यहाँ पर हमारा 1 मिनट 59 सेकंड, ठीक है, तो इधर वाले पार्ट को अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारे वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो लास्ट में बोला है वो चीज़ वीडियो से तो हट जाएगा लेकिन हमें तो हटाना नहीं है।
और दोस्तों अगर आपका मान लीजिए एक मिनट से कम का भी वीडियो रहेगा तब पर भी आपको ये ट्रिक करना है जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये करना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे कम क्वालिटी देखना है, जैसे देखिए 360p उसके नीचे GIF है, ठीक है। तो आपको सबसे कम से कम 360p पे जाना है, उसके बाद यहाँ से इसे कम कर देते हैं, देखिए 13 MB कम ही मात्र होगा, ठीक है। तो अभी इसको सबसे कम पर ही एक्सपोर्ट करना है, सेव एज वीडियो कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो को सेव कर लेते हैं अपनी गैलरी में, देखिए ये सेव हो रहा है। सेव जब तक हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पर सेव हो चुका है। सेव होने के बाद दोस्तों हम एक स्टेप बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपने जितना भी यहाँ पर वीडियो पर वॉइस ओवर किया था आपको क्या करना है, सबको एक एक करके यहाँ से डिलीट करना है। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको काइन मास्टर के होम पेज पर आ जाना है। आपका वीडियो सेव होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक बार सेव कर लिया कम क्वालिटी में। उसके बाद दोस्तों यह करना है न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। जाने के बाद फिर से आपको वही चीज़ करना जो अभी हमने किया था शुरू में, आपको नोवा सिल्वर पर जाना है और यहाँ से आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पर आपने जो वीडियो लिया था जिस पर आपको वीडियो फैक्ट वीडियो में एडिट करना है, आपको यहाँ से फिर से उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। देखिए ये वीडियो है, ये वीडियो पर आने के बाद फिर से आपको क्या करना है, वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करना है, मिक्सर वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से इसकी आवाज़ को कम कर देना है। कम कर देने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना है, यहाँ से हमें डुप्लीकेट बना लेना है। अगर डुप्लीकेट बनाना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर 30 सेकंड का भी हुआ, ठीक है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद स्पीड पर जाते हैं, इसके स्पीड को धीरे धीरे करके यहाँ पर कम कर देते हैं। देख सकते हैं 41 सेकंड का हो गया, चलिए थोड़ा और कम कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 53 सेकंड का हो गया, 1 मिनट 17 सेकंड, ठीक है। तो हम स्पीड को कम करते हैं ताकि हमारा वीडियो के लेयर जो वो 1 मिनट तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर हो गया। इतना होने के बाद दोस्तों आपने जो वीडियो को एक्सपोर्ट करके अभी सेव किया था, आपको लेयर पर जाना है। आपने जो अभी एक वीडियो को एक्सपोर्ट करके सेव किया था, आपको सिंपली से लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से आपको उस वीडियो को ले लेना। देखिए कान मास्टर है, यहाँ से हमने इस वीडियो को ले लेते हैं। 1 मिनट 4 सेकंड का आपको यहाँ पर सो रहा है, यह वीडियो को अभी हमने सेव किया था। यह वीडियो को आ जाने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से कुछ साइड करके हटा देना है, यानी कि अंदर छिपा देना। छिप जाने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यह जो वीडियो वाला लेयर है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए 1 मिनट 4 सेकंड का। तो हमें इसका यानी कि इसको हम 1 मिनट के अंदर लाएंगे। लाने के लिए आपको क्या करना है, स्पीड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसके स्पीड को हल्का सा बढ़ा देंगे। देख सकते हैं 58 सेकंड हो गया, एक स्टेप बढ़ाना है। अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपकी आवाज़ पर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, कीप पिच वाले ऑप्शन पर इसको आपको ऑन कर देना। अगर आप ऑन नहीं करोगे देखिए आपका क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद एक बार आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ टेबल पर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, जो इस बड़ी सी गेम से सबसे ज्यादा पैसे गिराए। तो ये आपने देखा, ये जब ऑफ था तो किस तरह से आपका आवाज़ लग रहा था, ठीक है। तो चलिए अब इसे एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करने से ये होगा कि आपका जो ओरिजिनल वॉइस है, आपका वो वॉइस ओरिजिनल थोड़ा सा स्पीड ही रहेगा, लेकिन आपका ओरिजिनल वॉइस यहाँ पर चलेगा। देखिए मैंने उसे ऑन कर दिया, एक बार और आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ टेबल पर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, जो इस बड़ी सी गेम से सबसे ज्यादा पैसे गिराएगा। तो देख लिया, कुछ इस तरह से दोनों में डिफरेंस रहता है। उसकी पिंच वाले ऑप्शन को आपको ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑन नहीं करोगे तो आपका वॉइस में ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए। स्पीड बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 58 सेकंड का हो गया हमारा वीडियो, यानी कि 1 मिनट से कम का हो गया। अब ये वीडियो हमारा जो वो शॉर्ट फीड में चले जाएगा, और जैसे कि हमारे वीडियो पर व्यूज भी आएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपने जो चीज़ जहाँ पर बोला है, जैसे मैंने जहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आती है पहले बंदे की बारी, ठीक है। तो पहले बंदे की बारी जैसे आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहला बंदा जैसे कि यहाँ पर देखिए ये फुटबॉल प्लेयर है, तो इस वाले क्लिप को हम यहाँ से काट लेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ तक है हमारा पहले बंदा वाला सीन, कहाँ गया, यहाँ तक है पहले बंदा वाला सीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं वीडियो वाले लेयर पर, उसके बाद कैंची पर जाते हैं और इसे यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। कट करने के बाद दोस्तों आप जाते हैं दूसरे बंदे वाले पे, क्योंकि हमने चारों बंदे का यहाँ पर डिटेल दिया। तो देखिए यहाँ पर दूसरा बंदा का कहाँ से शुरू हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा ये पहले बंदा का यहाँ पर क्लिप आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैंची वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इधर वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। तो ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक करते हैं, इधर वाला पार्ट क्या हो गया, देखिए यहाँ पर है दूसरे बंदे का, यहाँ से हमारा क्लिप शुरू हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ से क्लिप शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रिम लेफ्ट वाले ऑप्शन पर जाते हैं, इधर वाला पार्ट कट गया, यहाँ से अब हमारा दूसरे बंदे वाला सीन शुरू होता है। तो इसका भी देख लेते हैं कहाँ तक, इस तरह से आपको चारों पार्ट को डिवाइड कर देना है। जैसे कि इसका हमारा सीन यहाँ तक आया, यहाँ तक है। उसके बाद कैंची वाले ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि यहाँ से दो भाग में हम इसे कट कर दें। कट होने के बाद दोस्तों आप देखते हैं तीसरे बंदे का कहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ तक आया, इसको हम यहाँ से कट कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर चारों बंदे का सीन आ जाने के बाद अब
आपका वॉइस ओवर में जो भी आपने जहाँ पर बोला है, जैसे यहाँ पर बोला है पहले बंदा ये करता है, तो आपको पहले बंदे वाला क्लिप यहाँ पर कर देना, जहाँ तक जैसे मान लीजिए यहाँ तक हमारा हो जाता है ओवर खत्म, यानी 8 सेकंड तक में हमारा पहले बंदे वाला सीन खत्म होता है, यानी कि जो हमने बोला है कि पहले बंदा जैसे ही फुटबॉल फेंकता है तो कुछ ही पैसे गिरा पाता है, तो यहाँ मान लीजिए 8 सेकंड तक हमारा वो बोला वॉइस ओवर खत्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर वीडियो क्लिप तो थोड़ा सा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, स्पीड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से इसकी स्पीड को हल्के से धीरे धीरे करके स्लो कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 7 सेकंड तक, यानी कि हमारा इस तरह से वॉइस ओवर के अनुसार हम अपने वीडियो को एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वाला सीन आपको कैसे और कहाँ से लगाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं वीडियो को अपने ऑडियो के अनुसार से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आप जैसे वीडियो क्लिप को ऐड कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर अब बोल रहे हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बीच में यानी कि लास्ट टाइम पर यहाँ पर हम बोलते हैं कि उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो आपको जैसे यहाँ पर बोलिएगा कि उसे देखने से पहले, तो आपको क्या करना, कुछ इस प्रकार का मीमीज आपको यहाँ पर लगा देना, देख सकते हैं यहाँ पर रुकने वाला मीमीज, देखिए हम यहाँ पर बोलते हैं लाइक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आउट लगा दिया, आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, यहाँ पर 3 लाइक सब्सक्राइब और यहाँ पर कमेंट का मैंने पॉइंट आउट लगा दिया है, क्योंकि अगर अभी हम उसे सुनेंगे तो अभी मेरा वॉइस ओवर यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मैंने उसे इसलिए उसको पॉइंट आउट यहाँ पर कर दिया कि मैंने यहाँ पर बोला है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने लाइक सब्सक्राइब के लिए बोला है वहाँ पर आपको उस वाले पॉइंट को लगाना, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बोला लाइक के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, आ जाने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट सबके यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाएगा, उसके लिए अगर आपको नहीं पता है कहाँ पर मिलेगा तो आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हो नेट ऑन करके, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर मैं यहाँ से एक लाइक वाला ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए लाइक वाला यहाँ पर आ चुका है, तो मैं यहाँ से लाइक वाला आइकन को ले लिया, आइकन को लेने के बाद दोस्तों कि हमने यहाँ पर बोला लाइक वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा लाइक शो नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इसे आगे हटाते हैं, देखते हैं अब शो हो रहा है या नहीं, हाँ तो अब शो हो रहा है, ठीक है, तो इसे अच्छे से पहले एक बार प्ले करके देख लेते हैं, तो अभी भी ये थोड़ा लेट हो रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसे आगे कर लेते हैं ताकि हमने जहाँ पर बोला है वहाँ पर ये एकदम एग्जैक्ट तरीके से शो हो, तो अब ये यहाँ पर सो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लाइक वाला लगाना है, उसके लिए भी आपको अगर लेयर पर जाना है, यहाँ पर स्टिक वाला स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको सब्सक्राइब वाले स्टिकर को ले लेना है, यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब वाला स्टिकर ले लिया और इसे अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं, लाइक वाला ये है तो लाइक वाले को हल्का छोटा करके यहाँ पर हम इसे बीच में, अरे यार हैंग कर रहा है मोबाइल, लाइक वाले पर क्लिक करके इसे हम कुछ इस तरह से बीच में एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप सब्सक्राइब वाले पर भी आते हैं और इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कमेंट वाला ऑप्शन है, तो लेयर पर जाते हैं, स्टिकर पर जाते हैं और यहाँ से एक कमेंट वाला भी स्टिकर को यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज वाला भी जो है थोड़ा सा टाइमिंग लेट हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये तीनों लग जाने के बाद आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट लगाना है, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर देखिए ब्लू जैसा डॉट दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर बोला था लाइक के लिए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको एल्बम यानी कि आपका जहाँ पर भी गाना होगा यानी पॉप अप साउंड इफेक्ट आपका जहाँ पर भी होगा आप वहाँ से ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं कैमरा शूटर क्लिक, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना, तो ये एक बार प्ले होगा, उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है। आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो आप देख सकते हैं इसका फ्रेम यानी कि इसका जो वेव है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमको इस वाले ऑप्शन को हमको इसके सामने में यानी कि यहाँ पर लगाना है, तो इस पर क्लिक करके रखेंगे और इसे खींच करके यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब जाते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब वाले ऑप्शन, तो यहाँ पर एक दूसरा वाला इफेक्ट लगा देते हैं पॉपअप का, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, पॉपअप वाले पे आए, यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हम इस वाले ऑडियो फ्रेम देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर है, हम यहाँ पर लगाना है, ठीक है, तो हमको इस प्रकार से इसे खींच करके यहाँ पर, सॉरी ये तो लाइक का है, सब्सक्राइब का देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है सब्सक्राइब का, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसे खींच करके ले आते हैं, एकदम आपको एकदम पॉइंट पर रखना तभी ये अच्छे से सो गए, देखिए सब्सक्राइब वाला थोड़ा पीछे हट गया था तो यहाँ पर लेकर आ गए। अब दोस्तों आते हैं यहाँ कमेंट वाले के पास, यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक साउंड इफेक्ट आपको लगा देना, ठीक है, साउंड इफेक्ट लगाने से आपका वीडियो में जो है क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, इस पॉइंट आउट के सामने में इसके ऑडियो फ्रेम को यहाँ पर लगा देना है, तो लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पर प्ले होगा, ठीक है, आपको वीडियो के बीच बीच में मीम्स भी लगा देना, जैसे कि जहाँ पर बोला है कि उसे देखने से पहले, तो आपको एक थोड़ा उस टाइप का मीम्स लगा देना, आप जहाँ पर बोले हो कि उसे देखकर आपके हैरान, आप भी हैरान जाओगे, तो कुछ इस प्रकार का आपको मीम्स लगा देना। अगर आपको नहीं पता कि इस प्रकार का मीम्स आपको कहाँ पर मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर आ जाऊँगा, जहाँ पर कि आपको इस तरह के मीम्स कहाँ पर मिलेंगे HD क्वालिटी में, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है।
तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से। भाई साहब अब आती है इस बंदे की बारी, जिसने लगाई है तूफानी दिमाग, ऐसा क्या दिमाग लगाया इस बंदे ने जो एक सेकंड में करोड़ों का मालिक हो गया। उससे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल बंद बताइए अगर आपको ऐसा मौका मिलता तो आप कितने पैसे नहीं गिरा पाते। भाई साहब जैसे चौथा बंदा आता है। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो ऑडियो फाइल को लिया था यानी कि आपने जो वीडियो को एक्सपोर्ट किया था आपको याद होगा जिसका हमने यहाँ पर ऑडियो बनाया है, तो आपको क्या करना है उस वाले लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज़ करना पड़ेगा जिससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है दोनों चीज़, पहली तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर मिक्सर वाले ऑप्शन पर जाना है और इसकी आवाज़ को यहाँ पर लगभग 180 कर देना। अगर आपको लगता है कि आपने जो वॉइस ओवर किया वो काफ़ी कम है उसकी आवाज़, तो आप इसको 180-90 के आसपास रख सकते हैं। पूरा मत रखिए क्योंकि आपकी आवाज़ जो है फट सकती है, ठीक है। तो मैं इसे 180 के आसपास यहाँ पर रख देता हूँ। अब ये हो गया पहला चीज़। आपको दूसरा चीज़ ये करना, आपको थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा EQ करके, तो इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ट्रेबल बूस्टर, क्योंकि इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी आवाज़ में जो जान आ जाती है, आपकी आवाज़ एकदम क्लियरिफाई सुनाई देगी, आपका आवाज़ एकदम वो सॉलिड सुनाई देगा, ठीक है। आपका आवाज़ में जितना भी होगा थोड़ा बड़ा नॉइज भी ये जो है क्लियर कर देता है। तो इस तरह से आप इस दोनों ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं अपने वॉइस के साथ। अब दोस्तों आपकी बारी आती है यहाँ पर म्यूजिक लगाने की। तो म्यूजिक के लिए आपको मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि फैक्ट वीडियो के लिए बेहतरीन से बेहतरीन म्यूजिक आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो म्यूजिक लगाने के लिए आपको सिंपली ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपका जहाँ पर भी म्यूजिक होगा जिस भी फोल्डर में होगा आपको सिंपली यहाँ से ले लेना है म्यूजिक को। और दोस्तों म्यूजिक के साथ भी आपको कुछ करना पड़ेगा तभी आपका वीडियो जो काफ़ी अच्छी दिखाई देगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हिजाम यहाँ करके एक म्यूजिक है, ठीक है। तो आपको ये वाला म्यूजिक जो आप डायरेक्ट भी YouTube पर सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाने का नाम आप जैसे लिखोगे तो ये गाना आ जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा उस वीडियो को भी देख सकते हो, यानी तो आप मुझे Instagram पर मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा डाउनलोड कैसे किया जाता है वीडियो या फिर ऑडियो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मतलब म्यूजिक लेने के बाद म्यूजिक जो लिया हूँ यहाँ पर शुरू में इतना ज़्यादा जो है ऑप्शन वो खाली है, यानी कि हमारा गाना जो है यहाँ से हमारा शुरू हुआ है गाना, तो इसके इधर वाले पार्ट को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो ऑडियो वाले लेयर पर क्लिक करते हैं, यानी म्यूजिक वाले लेयर पर क्लिक करते हैं, कैची वाले ऑप्शन पर जाते हैं और लेफ्ट वाले पार्ट को कट कर देते हैं, इधर वाले पार्ट को लेफ्ट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इस पर एक सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे और इसे शुरू में लेते जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, म्यूजिक वाले लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर मिक्सर वाले ऑप्शन पर जाना है और इसकी आवाज़ को आपको कम कर देना है, यानी 30-40 के आसपास रखना है। अगर आपने हमने इसकी आवाज़ को बढ़ाया था याद होगा, इसकी आवाज़ को हमने 180 के आसपास रखा था, तो म्यूजिक वाले ऑप्शन को 40 के आसपास रखेंगे। अगर आप उन्हें उसको आप अपने ऑडियो वाले लेयर को अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो आपको इसकी आवाज़ को और थोड़ा कम कर देना, जैसे मैंने अभी इसकी आवाज़ को 40-45 रखा था, 20-30 ही रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑडियो वाले लेयर को मैंने बढ़ाया था तो इसका थोड़ा हाई भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मैं यहाँ 30-40 के आसपास रख देता हूँ, 36 रहने देता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्लिक केबल सा यहाँ पर टाइटल भी लिखना है आपको ऊपर में, जिससे कि ऑडियंस आपके टाइटल को देखकर आपकी वीडियो पर रुकेगी। तो आपको एक क्लिक केबल सा यहाँ पर टाइटल भी लिख देना है। अब यहाँ पर आपकी वीडियो के अनुसार जैसे यहाँ पर पैसे की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर एक क्लिक केबल सा यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ। देखिए लेयर पर जाना है टाइटल लिखने के लिए और यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना जो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैसे जीता 1 करोड़ रुपये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैसे जीता 1 करोड़ रुपये, थोड़ा यहाँ क्लिक केबल से टाइटल दे दिया और इमोजी वाले ऑप्शन पर जाकर तो इमोजी भी यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये जो दिख रहा है आपको टैक्स वाला लेयर, ठीक है, इस वाले फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से मोटा वाला फॉन्ट पर ले लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर मोटा वाला फॉन्ट पर ले लिया, सही कर देता हूँ, ये थोड़ा मोटा दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पर जाना है, इस दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड सॉरी इसके बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर फिर से जाना है, यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और एक अच्छा सा यहाँ पर कलर लेना है जिससे कि आपका टेक्स्ट जो वो अच्छे से दिखा दे। मैं पीला लेता हूँ, पीला लेने के बाद उसमें कलर वाले ऑप्शन पर भी जाना है, ये आपको जाना है शेड वाले ऑप्शन पर, उसको इसे यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे आना है स्पीड वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर फुल कर देना है। अगर आपको यहाँ पर आपका लेटर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, आपको ऐसा कलर रखना जिससे कि आपका लेटर वो अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेटर वो जो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, हम चाहते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को चेंज करें, यहाँ पर नहीं हो रहा है कलर, और दूसरे लेटर मानो जो यहाँ पर लेटर वो अच्छे से शो हो रहा है। अब चाहते हैं जैसे उजला लेटर, तो यहाँ से आप कलर वाले ऑप्शन पर जाकर उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वाइट ही रखता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया, देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट वाला लेयर यहाँ पर है, तो इस वाले लेयर को क्या करेंगे, इसका लेयर नहीं था तो इसको हम बीच करके वीडियो के सबसे लास्ट तक ले जाएंगे।
रास्ता लेकर आता हूँ वीडियो का रास्ता बनाने के बाद। अगर आप अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हैं तो आपको थ्री डॉट इस टैक्स वाले लेयर पर सबसे पहले क्लिक करके ही रखना है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है क्योंकि इसका कारण है तो यहाँ पर दो लेयर आ गया है। मुझे थोड़ा पर खींचना है क्योंकि ऊपर एडिट पर जाना है और यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरा एक टैक्स का चैनल तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ हार्ड कवर। इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद दोस्तों मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मैं बैकग्राउंड सबसे पहले तो यहाँ से रिमूव कर दिया था। जैसे टेक्नोलॉजी में पहुंचने पर मैं इसे मैं एक कोने में लगा देता हूँ। लगाने पर इसकी ओपेसिटी को हल्का से कम कर देना ताकि डिस्टर्ब ना हो ऑडियंस को देखने में। यहाँ पर ये कम हो गया दोस्तों। यहाँ पर हमारा फाइनल वीडियो तैयार हो चुका है। अगर आप चाहो नीचे में भी कुछ लिखना तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पैसे लाइक करो रुपए इसी वाले टेक्स्ट पर क्लिक करके फिर आप डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट बन गया तो यहाँ पर नीचे जाएगा और एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से इसे हटा करके आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसे लिख देते हैं डेट और यहाँ पर लिख देते हैं तो इस तरह से करने के बाद यहाँ से आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से कम से कम आपको 1080p रखना, ठीक है, तभी आपका हाई क्वालिटी मेगाबाइट से पुल करके यहाँ से आपको सेव वीडियो पर क्लिक करना है तो आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में #India जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बंदे लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।